चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को वंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। अगला क्वेश्चन है, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? लाहौर अधिवेशन अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बनाए दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेताओं सतपाल और सिफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध का। अगला है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। अगला है, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। अगला है, 1923 में सियादास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा करके सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में पिछले तीन कठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी, इस पद्धति में व्यवस्था क्या थी? किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 विभाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। अगला, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो उसे वहन करने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। अगला है, 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अगला, अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अगला है, अगस्त प्रस्ताव किप्स मिशन की असफलता तक तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को स्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मरो। अगला क्वेश्चन, वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण। अगला, 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं मैं हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है, लॉर्ड कर्जन थे। अगला है, कांग्रेस ने पहली बार कब देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? सीआर दास का। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। यह पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने तथा इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में आया है भारत। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना, उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? डेन ऑफ वेल्थ। अगला है, 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थाई भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? महासचिव का। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया। याद रखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया, जिसका रचा गीत सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक स्नातक ने किया। इसका स्नातक का क्या नाम था? रहमत अली। याद रखिए, पाकिस्तान शब्द का सृजन रहमत अली ने किया था लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला के मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वह कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। अगला क्वेश्चन है, सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसके ने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? सॉरी, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा फ्रेंड्स ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नगर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। अगला क्वेश्चन है, और कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में किप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। कथन किसका था? दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें विपुल चाकी और खुशीराम बोस शामिल थे कब घटित हुई? 1908 में।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलायती अली ने। याद रखिए, हम बिहार में बहाली आंदोलन के नेतृत्व किया था विलायत अली और इनायत अली दो लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अगला है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, फाक उल्ला किस षड्यंत्र केस में से संबंधित थे? काकोरी रेल डकैती कांड से। अगला है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल द्वारा का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? लॉर्ड डबरिन के कार्यकाल में।